एक तरफ तो लोग मानवता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वहीं निशुल्क रक्तदान शिविर एवं कई तरह की चीजें भी मानवता को बचाए रखने के लिए करते हैं समय समय पर। इसके उलट ही जिला चिकित्सालय में काफी समय से एक गिरोह सक्रिय है। इसकी खबर हम समय समय पर प्रशासन को देते ही रहे हैं, साथ में आप लोगों को भी दिखाते रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक इस गिरोह का भंडाफोड़ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि यह गिरोह के सदस्य जिला चिकित्सालय में आए मरीजों से खून देने के नाम पर या अन्य तरह की जाँच कराए जाने के नाम पर पैसे की वसूली करते हैं। साथ ही इस गिरोह के कुछ सदस्य प्रसूति महिलाओं को जिला चिकित्सालय से ले जाकर गुना शहर के कुछ नामी गिरामी क्लिनिकों पर ले जाने की काम भी करते हैं, जिसके बदले में इस मोटी रकम इस गिरोह के सदस्य यूं कहें इन दलालों को मिलती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सिरसी थाना अंतर्गत रहने वाले सिरदार सिंह बघेल का, जो अपनी पत्नी को प्रसव कराने के लिए गुना लेकर आए थे। उनके साथ घटित हुआ यह मामला, सरदार सिंह के अनुसार वे अपनी पत्नी जो कि गर्भवती है उनके प्रसव के लिए गुना चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर कहा कि 5 से 6 बोतल खून की जरूरत पड़ेगी। इस बात को वहीं खड़े एक दलाल ने सुन लिया, जिसके बाद उसने सरदार सिंह से 20,000 रुपए की राशि लेकर रक्त उपलब्ध कराने की बात कही। सरदार सिंह ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए पैसे का मुंह नहीं देखा और तत्काल ही उस गिरोह के सदस्य को पैसे दे दिए, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपना एक मोबाइल नंबर दिया जो कि गलत था। उस नंबर पर लगाने पर कोई और व्यक्ति फोन उठा रहा है। व्यक्ति का काफी देर इंतजार करने के बाद सिरनाम सिंह ने इसकी शिकायत जिला चिकित्सालय में दर्ज कराई। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। वहीं यह दावा भी किया जाता है कि सुरक्षा के मद्देनजर कई सुरक्षा कर्मी 24 घंटे अस्पताल में तैनात रहते हैं, जिनको एक मोटी राशि अस्पताल प्रशासन के द्वारा दी जाती है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद इन सुरक्षा कर्मियों के काम पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में अस्पताल की सुरक्षा इन हाथों में है, या फिर कमीशन खोरी के चलते सुरक्षा कर्मियों के नाम पर केवल पैसा निकाला जा रहा है। जब पूरे अस्पताल में CCTV कैमरे लगे हैं, तो उक्त दलाल व्यक्ति को जो सिरदार सिंह से 20,000 रुपए लेकर गया है, उसे पकड़ने में अस्पताल प्रशासन रुचि क्यों नहीं दिखा रहा? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल में कर्मचारी भी उस दलाल व्यक्ति के साथ साठगांठ कर ये धंधा चला रहे हो? अस्पताल में लगे थे इनके। किसको लाए थे? इनके लाए थे। क्या नाम है? कौन है? मोहली भाई। अच्छा, कौन है आपकी? घर से। हाँ, तो क्या हुआ इनको? इनके खून की कमी आ गई। तो फिर क्या दिक्कत हुई है? जो दिक्कत हुई है कि वो होता पटवारी होता, पटवारी होता तो पैसे मैंने खून लिया वहाँ से करके 20,000। 20,000 रुपये ले लिए? कितने? 20। किसने लिए? 20,000 लिए। अरे किसने लिए? वो पटवारी ना। पटवारी आप पहचान कहाँ था? क्या अच्छी तरह से नहीं पहचानता, वो तो अच्छी बात करता अच्छी, और मैं खून की बोतलें ले आऊँगा सफर की मांगे। अच्छा, किस बात के लिए 20,000 रुपये कि मैं खून की बोतलें ले आऊँगा? हाँ, खून की बोतलें ले आऊँगा। तो नहीं लाया वो अभी तक? नहीं लाया। फिर इसकी शिकायत आपने करी? शिकायत तो थाने में नहीं करी। थाने जाओगे आप? थाने जाओगे? कल कम से कम दोपहर में कि सुबह? नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह। सुबह तो आपने 20,000 रुपये दे दिए उसको? हाँ, ले लिया। उससे कोई जानकारी नहीं ली आपने? लिए तो मैंने, वो तो हमारा गरीब लेखा के कागज लिया हो, और मैं बोतलें खून की बोतलें ले लूँगी, इसलिए पैसा मांगा। उसके साथ और कोई भी था? मैं अकेला था।